हेलो गाइस गुरु, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल गाइस और स्टडी में। मेरा नाम है गाइस सौरभ कुमार। तो आज जो है गाइस, मैं आपके लिए दोबारा से क्लास 12 का गाइस हिस्ट्री का चैप्टर लेकर आ चुका हूँ। चैप्टर नंबर गाइस आपका 4 आप देख सकते हैं, विचारक, विश्वास और इमारतें। ये आपका पुराना नाम हुआ करता था, न्यू नेम गाइस इसका हो चुका है हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म सांची स्तूपा। लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य, 8वीं की जगह गाइस आपको ईस्वी लिख लेना है, थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस ये चैप्टर का बता दूं, पार्ट फोर, चैप्टर फोर का गाइस ये पार्ट नंबर थर्ड है। इस पे ऑलरेडी मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा गाइस तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आपको आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले आप वो देखिए, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, देन आप थर्ड पार्ट देखिएगा, तभी गाइस आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। और ये पार्ट भी गाइस फर्स्ट सेकंड पार्ट की तरह इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस इसमें भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जिस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो थर्ड पार्ट के अंदर गाइस हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले वो जानने के लिए गाइस हम देख लेते हैं एक बार अपना मुख्य बिंदु, यानी कि इस चैप्टर में हमने कहाँ से शुरुआत करी थी, कहाँ से गाइस हम पढ़ने वाले हैं अब यहाँ पे। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में कैसे जो थे धार्मिक व्यवस्थाएं चेंज हो रही थी, हिंदू धर्म में कैसे कुछ बुराइयां आती हैं, उनके स्थान पर गए बौद्ध धर्म, जैन धर्म का महत्व बढ़ जाता है, इनका उदय कैसे होता है, इनकी शिक्षाएं हम पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं गाइस कैसे जो है बौद्ध धर्म जैन धर्म उभर कर आए, बौद्ध धर्म जैन धर्म क्या है, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ ये सारे टॉपिक, बौद्ध धर्म जैन धर्म के प्रकार भी। अगर आपने फर्स्ट सेकंड पार्ट नहीं देखा तो प्लीज आप वो देख लो, देन आप ये देखिएगा, क्योंकि गाइस वहां से आपके 8 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब गाइस हम इस थर्ड पार्ट के अंदर बात करने वाले हैं 4 टॉपिक के बारे में, यानी कि स्तूप क्या है, इनका निर्माण कैसे होता था, जो कि बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं, स्तूप के बारे में गाइस हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। स्तूप के साथ साथ गाइस हम बात करेंगे यहाँ पे अपना कि स्तूपों को कैसे बनाया जाता था। उसके साथ साथ गाइस यहाँ पर हम देखने वाले हैं अमरावती स्तूप के बारे में, सांची का स्तूप कैसे नष्ट हो गया, अमरावती का स्तूप कैसे बच गया। हालांकि आपकी बुक की जो स्टार्टिंग है सांची स्तूपा से ही दे रखी है, अब हम इस थर्ड पार्ट में उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ गाइस हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो इन स्तूपों पर मूर्तियां बनाई गई हैं, जैसे गौतम बुद्ध को इनडायरेक्टली रूप से दिखाने का प्रयास किया गया, बहुत सारे जानवरों की, पशु पक्षियों की मूर्तियां इनमें बनाई गई हैं, तो इनपे जो मूर्तियां बनाई गई हैं स्तूपों पर उनका क्या महत्व है, उसको जानने का भी हम यहाँ पे प्रयास करेंगे, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में गाइस हम स्तूपों के बारे में देखेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ गाइस हम सांची स्तूप के बारे में, ठीक है, अमरावती स्तूप के बारे में बात करेंगे, और इनपे जो मूर्तियां बनाई गई उनका क्या महत्व है, उनसे हमें क्या पता चलता है, इस बारे में हम बात करेंगे। और फोर्थ पार्ट के अंदर गाइस हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, जहां पे हम पौराणिक हिंदू धर्म का उदय कैसे हुआ, वैष्णववाद और शैववाद क्या है, ये हम देखेंगे। तो चलो हम अपना वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप अपनी बुक को उठाकर देखेंगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा स्तूप। स्तूप के अंदर गाइस आपको एक वेदी नाम का छोटा सा टॉपिक यहाँ पे पढ़ना होता है। तो वेदी क्या होती है ये आप सबसे पहले जान लीजिए, देन हम स्तूप के बारे में बात करेंगे। तो गाइस क्या होता है वेदी ये देख लीजिए। तो प्राचीन काल से ही कुछ लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे, जहां अक्सर खास वनस्पति, विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य होता था, कुछ ऐसे ही स्थानों को वेदी कहा जाता था, ठीक है। कुछ ऐसे स्थान होते थे जिन्हें लोग पवित्र मानते थे और उन्हें अपने देवी देवताओं के साथ जोड़कर देखते थे, इन स्थानों को वेदी कहा जाता था। अब वेदी होता क्या है एक्चुअल में, अब आप समझिए, वेदी का मतलब एक ऐसे स्थान जहां पर खास प्रकार की वनस्पति, प्रकृति का बहुत अच्छा गाइस सुंदर नजारा होता है देखने का, ठीक है। ऐसे स्थानों को लोग क्या कर रहे हैं, अपने देवी देवताओं के साथ जोड़कर देखते हैं कि ये जो स्थान है हमारा वो देवी देवताओं से संबंधित है, उस स्थान को ये लोग पवित्र मानते हैं। तो ऐसा कोई जो छोटा सा स्थान होता है जिसको वो अपने देवी देवताओं के साथ जोड़कर देखते हैं, जहाँ पे खास वनस्पति, विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य होता है, उन स्थानों को गाइस क्या कहा जाता है, वेदी कहा जाता है। जैसे लुम्बिनी वन को लोग वेदी मान रहे थे, बोध गया हो गया, कुशीनगर हो गया, ये क्या है गाइस, कुछ वेदी है। वेदी जैसे आप एक रियल एग्जाम्पल देकर आपको बताऊं, जैसे गाँवों में अगर बहुत सारे दोस्त जाते होंगे तो आपको पता होगा कि गांव के लोग क्या करते हैं, कुछ छोटे छोटे स्थानों को ना अपने देवी देवताओं के मंदिर बनाकर या कुछ छोटे से स्थानों को देवी देवताओं से जोड़कर रिलेट करते हैं कि यहाँ पर हमारे देवी देवता का निवास स्थान है। तो उस तरीके से गाइस जो हमारे छोटे से स्थान होते हैं ना जिनको हम देवी देवताओं से जोड़कर देखते हैं, उन्हीं स्थानों को गाइस टाइम पीरियड में क्या कहा जाता था, वेदी कहा जाता था। आई बिलीव यहाँ से आप समझ गए होंगे कि वेदी किसे कहा जाता है, कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं आता है, थोड़ा सा आपकी बुक में इसका जिक्र था तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक तो अब आपका शुरू होगा गाइस, स्तूप, स्तूप क्या है ये आपको समझना है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं किस तरीके से आता है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए स्तूप होते क्या है। तो स्तूप का देखिए शाब्दिक अर्थ होता है गाइस मिट्टी का गोलार्ध टीला, मिट्टी का गोलार्ध टीले को ही गाइस हम बोलते हैं स्तूप। आप देख सकते हैं मिट्टी का ये जो गोल यानी कि गोलार्ध जो टीला है ना, ये मिट्टी का ये टीला ही है, तो इस मिट्टी के गोलार्ध टीले को हम क्या बोलते हैं, स्तूप बोलते हैं, ठीक है। अगर एक नंबर में पूछे स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी का गोलार्ध टीला, ठीक है। तो क्या होता था, कुछ जगह ऐसी होती थी जिन्हें पवित्र माना जाता था,
इन जगहों पर जब बुद्ध के शरीर के कुछ अवशेष और उनके द्वारा प्रयुक्त सामानों को गाड़ दिया गया तो इन्हीं मिट्टी के गोलार्ध टीलों को स्तूप कहा जाने लगा। क्या होता था कि पहले जो था लोग इस तरीके के मिट्टी के गोलार्ध टीले बनाया करते थे। ऐसा नहीं था कि गौतम बौद्ध धर्म आने के बाद ही जो था लोग ऐसे बनाने लगे, मतलब बौद्ध धर्म आने से पहले भी जो था लोग मिट्टी के इस प्रकार के गोलार्ध टीले बनाते थे, लेकिन जब गौतम बुद्ध के कुछ शरीर के अवशेष और उनके द्वारा प्रयुक्त सामानों को इन गोलार्ध मिट्टी के टीलों में गाड़ा जाने लगा ना, तब इन जो गोलार्ध मिट्टी के टीले थे तब इन्हें जो था बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में जो थी प्रतिष्ठा मिली थी, तब जो था ये बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह बन गए थे। संभवतः लोग जो था बौद्ध धर्म से पूर्व भी स्तूप बनाते होंगे, लेकिन जब बुद्ध के अवशेष तथा उनके द्वारा प्रयुक्त सामानों को इनमें जोड़ दिया गया तब इन समूचे स्तूपों को बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली थी। तो ऐसा नहीं है कि पहले जो था बौद्ध धर्म आने के साथ ही ये बनने थे लगे थे, बल्कि पहले से लोग बनाते थे, लेकिन जब गौतम बुद्ध के शरीर के अवशेषों को उनके द्वारा चीजों को इनमें जोड़ा जाने लगा तब इन्हें जो था बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह माना जाने लगा था। जैसे एग्जाम्पल भी यहाँ पे आपको देके बता रखे कि अशोकावदान एक ग्रंथ है, ठीक है, उसमें बता रखा है कि अशोक जो था सम्राट जो था उसने क्या करा था, गौतम बुद्ध के अवशेषों को बहुत सारे शहरों में ले जाकर उन पर क्या हुआ बहुत सारे स्तूप बनवाए। तो धीरे धीरे परंपरा बढ़ती चली गई, जैसे सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप, भरूत का स्तूप, ठीक है। तो ये मिट्टी के जो गोलार्ध टीले थे पहले से ही बनाए जाते थे, लेकिन बाद में जो था जब गौतम बुद्ध की चीजों को इनमें जोड़ दिया गया तो इनको जो था बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह माना जाने लगा और धीरे धीरे जो थी इनका बनना शुरुआत हो गई थी। और स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो मैंने आपको बता दिया, मिट्टी का गोलार्ध टीला होता है, ठीक है। ये जो दरवाजा सा आप देख रहे हो, ये दरवाजा जो है गाइस इसे बोला जाता है तोरण द्वार। क्या बोला जाता है? तोरण द्वार बोला जाता है, ठीक है। और इसके साथ में ये जो बाउंड्री सी बनी हुई है ना, इसको बोला जाता है गाइस वेदी। क्या बोला जाता है? वेदी बोला जाता है। ये मैंने गाइस गूगल से चित्र ले रखा है ताकि आपको मैं एक अच्छी नॉलेज दे पाऊं, क्योंकि गाइस मेरा मेन मोटिव आपको पता है यही रहता है, आपको एक अच्छी नॉलेज देना, ना कि आपको रटवाना, ठीक है। तो यहाँ से तोरण द्वार समझ में आ गया, देखकर वेदी किसे कहा जाता है ये भी समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं स्तूप किस तरीके से बनाए जाते थे, तो ये देख लीजिए। तो स्तूप जो होता था गाइस वो राजाओं, शिल्पकारों, व्यापारियों की श्रेणियों, भिक्षु भिक्षुणियों के दान द्वारा और उनके परिश्रम द्वारा बनाए जाते थे। इस बात की पुष्टि कहाँ से होती है? तो स्तूपों की जो वेदिकाएं हैं, वेदिका मैंने दिखा दी आपको, स्तंभ, जो स्तंभों पर जो अभिलेख मिले हैं, ठीक है, इन अभिलेखों पर गाइस इन्हें बनवाने वाले और इन्हें सजाने वाले जो व्यक्ति थे उनके द्वारा जो दान दिया जाता था उनका ब्यौरा मिलता है। तो गाइस क्या था कि स्तूप जो होते थे वो राजाओं द्वारा, शिल्पकारियों द्वारा, व्यापारियों द्वारा, भिक्षु भिक्षुणी के दान द्वारा और इनके परिश्रम द्वारा जो था ये बनाए जाते थे, ठीक है। इसकी बात जानकारी हमें कहाँ से मिलती है कि इनके बारे में जो है हमें स्तूपों के जो स्तंभ है, वेदिका है, उन पर इन चीजों का ब्यौरा हमें मिलता है। अब स्तूपों की संरचना क्या थी, मतलब स्तूप जो था किस तरीके से बनाए जाते थे और किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। आप इसकी संरचना अगर देख सकते हैं तो देख पा रहे होंगे आप इसके अंदर। तो गाइस देखिए स्तूप क्या कैसे बनाए जाते थे। प्रारंभ में जो था स्तूप बड़े ही साधारण तरीके से बनाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ गाइस स्तूपों की संरचना में जो थी जटिलता आने लगी थी। मतलब पहले जो होता था मिट्टी के सिर्फ सिंपल गोलार्ध टीले बनाए जाते थे, लेकिन बाद में जो था इनमें क्या हुआ चेंजेस किया जाने लगा। वो चेंजेस क्या आने लगे कि स्तूप अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। हर्मिका क्या है? ये जो आपका एक छज्जा सा दिख रहा है ना, रेक्टेंगुलर टाइप का कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा होगा, ये जो गाइस आपका छज्जा सा है इसे बोला जाता है हर्मिका, जो देवताओं के घर का प्रतीक माना जाता है। ये बनाया जाने लगा इसके ऊपर। बाद में हर्मिका से एक मस्तून निकला होता है, इसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे इस तरीके से ना एक डंडा सा निकला हुआ, उसे क्या बोला जा रहा है? मस्तूल बोला जा रहा है, ठीक है। मस्तूल निकला होता था जिसे यष्टि कहते हैं, जिस पर एक छतरी लगी होती है। इसके ऊपर गाइस क्या है? छतरी लगी हुई है, अगर आप ध्यान से देखोगे छतरी सी लगी हुई है, इसे क्या बोला जा रहा है? छतरी बोला जा रहा है। और इस प्रकार टीले के चारों ओर एक वेदिका बनाई जाने लगी जो इस पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग रखती थी। आप देख सकते हैं वेदिका बनाई गई है जिससे क्या है ये सामान्य दुनिया से अलग है और एक पवित्र स्थान बन जाता है। तो प्रारंभ में क्या होता था स्तूप जो होते थे बड़े ही साधारण तरीके से बनाए जाते थे, मिट्टी के जस्ट अर्ध गोलार्ध टीले बनाए जाते थे, उन्हीं को स्तूप बोला जा रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ धीरे धीरे जब इन्हें बौद्ध धर्म के रूप में प्रतिष्ठा मिलने लगी तो इनको जो था अच्छे तरीके से बनाया जाने लगा, इनपे हर्मिका बनने लगी, मस्तूल बनने लगे, ठीक है, और वेदिकाएं बनाई जाने लगी और बहुत सारे जो था इस पे चित्र भी उत्कीर्ण करने जाने लगे थे, ठीक है। और कुछ समय बाद स्तूपों पर नक्काशी भी की जाने लगी थी। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा स्तूपों की संरचना किस तरीके से होती थी,
तो यहाँ से गाइस क्वेश्चन किस तरीके से आता है आप ये सबसे पहले जान लो, क्योंकि गाइस ये इंपॉर्टेंट है स्तूप वाला। यहाँ से ना डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि स्तूप क्या होते हैं, तो आप बता दोगे स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी का गोलार्ध टीला। प्रारंभ में जो होता था ये संभवतः बौद्ध धर्म से पहले भी बनाए जाते थे, लेकिन गौतम बुद्ध के शरीर उनके अवशेषों को जब इनमें जोड़ा जाने लगा तब जो था इन्हें बौद्ध धर्म के रूप में प्रतिष्ठा मिली। और किस तरीके से ये मनाए जाते थे, इनका निर्माण किस तरीके से होता था उसके बारे में वर्णन करें, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दान द्वारा बनाए जाते थे, व्यापारी शिल्पकारियों ठीक है भिक्षु भिक्षुणी के दान द्वारा बनाए जाते थे, ये आप लिखोगे। और इनकी संरचना कैसी होती थी ये भी आप थोड़ा सा यहाँ पे बताते हो। तो 4 मार्क्स में गाइस ये क्वेश्चन आता है, कई बार 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो जिस तरीके से भी आएगा इसी में से आएगा, आई बिलीव आप अच्छे से आप उसको लिख भी पाएंगे। तो स्तूप वाला कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया। अब बात कर लेते हैं ये जो स्तूप है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ठीक है, जो बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं, आखिर इनकी खोज कैसे हुई, इनके बारे में पता कैसे चला कि इस तरीके के भी गाइस ये स्तूप जो थे पहले बनाए जाते थे और आज भी ये बनाए जाते हैं। तो सर्वप्रथम 1796 में एक स्थानीय राजा को अमरावती स्तूप के विषय में अवशेष मिले जब वह एक मंदिर बनवाना चाहते थे। अमरावती कहाँ है, अमरावती आंध्र प्रदेश की आज के टाइम पे राजधानी है, सबसे पहले आप ये जान लो। 1796 में गाइस क्या हुआ कि एक स्थानीय राजा थे अमरावती के, अमरावती के स्तूप के जो था उन्हें कुछ अवशेष मिले और वो क्या कर रहे थे गाइस मंदिर बनवाना चाहते थे ठीक है। अमरावती के राजा उन्होंने क्या करा गाइस, जब अमरावती स्तूप की जब उन्हें अमरावती स्तूप मिला अवशेष मिला तो उसने क्या करा, उसकी ईंटों का यूज जो था गाइस मंदिर बनाने में कर लिया ठीक है। किसने, अमरावती के जो राजा थे जो मंदिर बनवाना चाहते थे, जब उन्हें अमरावती का स्तूप मिला तो उसने उससे क्या करा मंदिर बनवा लिया ठीक है। तो इस राजा को सबसे पहले इसके बारे में पता चला, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि इस तरीके का जो स्तूप है ये किसी धर्म से भी रिलेटेड है, क्योंकि उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। और कुछ टाइम बाद क्या होता है गाइस, कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी होते हैं ठीक है, वो क्या करते हैं गाइस, उन्हें भी क्या होता है अमरावती स्तूप की कई सारी मूर्तियां मिलती है और इसका वो काफी चित्रांकन करते हैं, इसके बारे में लिखते हैं। लेकिन अभाग्यवश क्या होता है गाइस, ये जो कॉलिन मैकेंजी होते हैं इसकी रिपोर्ट छपी नहीं पाते हैं कि लोगों को पता चल पाए कि अमरावती का जो स्तूप है ये बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह भी है, या ये जो है बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह माना जाता है ठीक है, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। उसकी रिपोर्ट नहीं छपवाई, जिस वजह से हम ये नहीं जान पाए कि ये जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ठीक है। फिर क्या हुआ गाइस, 1854 में अंततः गुंटूर आंध्र प्रदेश, गुंटूर जो है एक जगह है आंध्र प्रदेश में, यहाँ के कमिश्नर थे ठीक है, उसने क्या करा गाइस अमरावती की यात्रा करी कमिश्नर ने, और उन्होंने कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए किसके, अमरावती स्तूप के, और उसे जो था गाइस वो अपने साथ मद्रास लेकर चले गए ठीक है। तो गुंटूर आंध्र प्रदेश के गाइस एक कमिश्नर थे, 1854 में कहाँ जाते हैं अमरावती जाते हैं, और वहां से गाइस बहुत सारी मूर्तियां और पत्थर क्या करते हैं लेकर वो कहाँ चले जाते हैं, मद्रास लेकर चले जाते हैं। इस प्रकार उन्हें पता चलता है कि अमरावती का स्तूप उन्हें मिल जाता है ठीक है। और उन्होंने इसका पश्चिमी तोरण द्वार यानी कि जो पश्चिम साइड में जो बड़ा सा दरवाजा था वो भी खोज निकाला ठीक है, और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप जो है बौद्ध धर्म का सबसे विशाल एवं शानदार स्तूप था। तो उन्होंने गाइस ये बताया कि अमरावती का जो स्तूप है बौद्ध धर्म का सबसे शानदार और विशाल स्तूप था, और ये जो था गाइस इसके बहुत सारे उत्कीर्ण पत्थर मूर्तियों को कहां लेकर चले गए थे, मद्रास लेकर चले गए थे। आगे देखते हैं हम यहाँ पे, और इस तरह 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर कई अलग अलग जगहों पर भी लेकर जाए गए, जैसे कोलकाता में लेकर जाए गए, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल लेकर जाए गए, मद्रास में इंडिया ऑफिस ले जाए गए, लंदन में भी लेकर जाए गए। इससे क्या हुआ कि अमरावती का जो स्तूप था वो क्या हो गया, नष्ट हो गया, क्योंकि जिन जिन लोगों को इस स्तूप के बारे में पता चल रहा था वो क्या कर रहे थे, सारी इसके जो उत्कीर्ण पत्थर थे मूर्तियां थी ये इतना सुंदर था कि वो जो था काफी ज्यादा इससे मोहित होते जा रहे थे और अपने साथ जो था इस अमरावती स्तूप की चीजों को लेकर चले गए, जिस वजह से क्या हुआ अमरावती का स्तूप यहाँ पे नष्ट हो गया। लेकिन एक व्यक्ति ऐसे थे इस टाइम पीरियड में, HH Cole एक व्यक्ति थे जो क्या थे, इन लोगों के सबके खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि अमरावती स्तूप जो एक्चुअल रूप में हमें जहाँ पे मिला उसकी कोई भी चीजों को हम नष्ट करके अपने साथ ले जाएं ठीक है। अब वो उनका मत क्या था वो जान लो यहाँ पे आप। HH Cole जो थे इन सभी लोगों से अलग तरीके के व्यक्ति थे और उनके अनुसार असली कृति उनकी खोजी गई जगहों पर ही रखनी चाहिए, मतलब कोई भी हमें पुरानी चीज मिलती है तो जहां पर वो हमें मिली हमें उसे वहीं पे ही छोड़ देना चाहिए, उससे ही उसका फायदा होता है, जबकि संग्रहालय में इन प्रतिकृतियों की प्लास्टर प्रतिकृतियों को ही रखना चाहिए, मतलब जो भी हमें चीजें मिली है उसकी हमें एक डुप्लीकेट चीज को संग्रहालय में रखना चाहिए शो के लिए दिखाने के लिए, बल्कि जो हमें पुरानी चीज जहाँ पे मिलती है हमें उसे वहीं पे ही रख देना चाहिए क्योंकि उसी से ही उसका फायदा होता है ठीक है, अन्यथा वो नष्ट हो जाती है। जैसे कि अमरावती स्तूप के संदर्भ में वो नष्ट हो गया, अभी आप पढ़ोगे कैसे नष्ट हो गया। लेकिन कोल अपनी इस बात से अमरावती स्तूप के
लिए सभी अधिकारियों को सहमत नहीं कर पाए, जबकि खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात को सांची के लिए मान लिया गया था। यानी कि एचएच कोल जो थे वो चाहते थे कि अमरावती स्तूप को जो है लोग ना लेकर जाएं, लेकिन उन्होंने नहीं माना। यूरोपीय और अंग्रेजी जो विद्वान थे वो लेकर चले गए, ठीक है, लोग जो थे, लेकिन सांची के स्तूप के बारे में जो था लोगों ने इस बात को मान लिया और सांची का स्तूप जो था इस तरीके से बच गया था। अब यहाँ से गाइस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि सांची का स्तूप क्यों बच गया, ठीक है, और अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया, वो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ से आपने समझा क्या, यहाँ से आपने ये समझा कि किस तरीके से जो था इन स्तूपों के बारे में लोगों को पता चला। पहले जो था एक राजा को पता चलता है अमरावती स्तूप के बारे में, वो क्या करते हैं मंदिर बनवाने में उनका ईंटों का यूज कर लेते हैं, फिर कॉलिन मैकेंजी भी उसके बारे में लिखते हैं लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं छप पाती है, ठीक है। और उसी के साथ साथ गाइस क्या होता है, फिर गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर को पता चलता है, वो अपने साथ बहुत सारी चीजों को लेकर जाते हैं। उसी को देखते हुए गाइस क्या होता है, बहुत सारे अन्य अंग्रेज और यूरोपीय विद्वान क्या होते हैं, अंग्रेज अधिकारी क्या करते हैं, वो भी अमरावती स्तूप की बहुत सारी चीजें अपने साथ लेकर चले जाते हैं। उसके बारे में बताते तो हैं कि ये अमरावती का स्तूप जो है बौद्ध धर्म का सबसे विशाल और सुंदर स्तूप है, लेकिन उसको वो कहीं ना कहीं नष्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन एचएच कोल जो है सभी लोगों को मना करते हैं लेकिन वो उसके बात को नहीं मान पाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अमरावती का स्तूप जो था गाइस कैसे नष्ट हो गया। यहाँ से आपको 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है। तो यहाँ पे अमरावती स्तूप नष्ट होने के कारण क्या थे, लिखोगे किस तरीके से, ये आपको जान लेना है। तो अमरावती का स्तूप जो था गाइस आंध्र प्रदेश के अमरावती क्षेत्र में स्थित है, ये आपको पता चल गया अब, ठीक है। इसके नष्ट होने के गाइस कई कारण थे जिसका वर्णन निम्नलिखित है। यह स्तूप सांची के स्तूप से पहले खोजा गया था, तब संभवतः विद्वानों को इसके महत्व का पता नहीं था। ऐसा माना जाता है कि ये जो था जब सांची के स्तूप से पहले खोजा गया था, शायद लोगों को विद्वानों को इसके बारे में पता नहीं था कि इसका महत्व क्या है। इस वजह से क्या हुआ, वो अपने अपने देश लेकर चले गए और इस वजह से क्या हुआ, अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया। और स्थानीय राजा द्वारा भी जो था 1796 में से तुड़वाकर इसके ईंटों से जो था मंदिर का निर्माण करवाया गया, इस वजह से नष्ट हो गया। और 1850 के दशक में तो कई अंग्रेज अधिकारियों द्वारा अमरावती स्तूप के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगह पर लेकर जाए गए, जैसे कोलकाता, मद्रास व लंदन आदि। और इन तमाम कारणों की वजह से ही जो था अमरावती का स्तूप क्या था, नष्ट हो गया था। और सांची का स्तूप कैसे बच गया था वो भी हम देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है गाइस आपका 2 मार्क्स में भी आ जाता है, 4 मार्क्स में भी आ जाता है। तो गाइस मैंने आपको कारण बता दिया है किस तरीके से आपको लिखना है, वो भी आपको पता चल गया होगा। अब बात कर लेते हैं सांची का स्तूप। तो सांची का स्तूप कहाँ पर, आपकी बुक की जो स्टार्टिंग है गाइस वो सांची स्तूपा से ही दे रखी है। सबसे पहले आप सांची स्तूपा के बारे में जान लो। सांची जो है गाइस भोपाल, आज के टाइम पे जो मध्य प्रदेश है उसकी जो राजधानी है भोपाल, भोपाल से लगभग अगर आप गूगल में देखोगे तो आज के टाइम पे दिखाता है गाइस 52 किलोमीटर, यानी कि 52 किलोमीटर की दूरी, भोपाल से 52 किलोमीटर दूरी पर एक स्थान है गाइस सांची कनखेड़ा। वहां पर गाइस ये मिट्टी का गोलार्ध टीला जो है वो बनाया गया था, जो कि बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। और उसी स्थान के नाम पर गए इसको नाम क्या मिल गया, सांची का स्तूप मिल गया, ठीक है। तो सांची का स्तूप कहाँ पे है, भोपाल से लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर आज के टाइम पे स्थित है सांची कनखेड़ा नामक क्षेत्र में, ठीक है। इस स्तूप को जो था गाइस किस तरीके से बचा लिया गया, जबकि अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया वो हम देख चुके हैं। तो इसको बचाने में गाइस भोपाल की जो रानियां थी, बेगम जो थी, उन्होंने काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो हमें देखना है कि इस स्तूप का जो था किस तरीके से संरक्षण किया गया था। तो सांची का जो गाइस स्तूप था वो बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण जीता जागता साक्ष्य है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये स्तूप माना जाता है, ठीक है। अब इसको बचाया किस तरीके से गया ये आप देख लीजिए। ये सांची की एक, मैंने भोपाल की बेगम की एक चित्र भी लगा रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 19वीं सदी में गाइस पहले फ्रांसीसियों तथा अंग्रेज दोनों द्वारा ही सांची के स्तूपों में दिलचस्पी दिखाई गई। पहले जो था फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही जो था गए सांची के स्तूपों को ले जाना चाहते थे, ठीक है। लेकिन यह दोनों इस महत्वपूर्ण साक्ष्य के तोरण द्वार तथा अन्य चीजों को अपने अपने देश ले जाना चाहते थे। दोनों ही चाहते थे कि इसके जो भी उत्कीर्ण पत्थर है और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उसको क्या करें, हम अपने अपने देश ले जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भोपाल की बेगम शाहजहां द्वारा इन अंग्रेज अधिकारियों के लिए सांची की प्लास्टर प्रतिकृतियां बनवाई गई जिससे वे संतुष्ट हो गए। यानी कि बेगम ने क्या करा, जो सांची का एक्चुअल स्तूप था वो तो इन्हें नहीं ले जाने दिया, बल्कि क्या हुआ उसकी डुप्लीकेट जो प्लास्टर प्रतिकृतियां थी वो बनवाई, जो देखने में बिल्कुल ऐसी लगती थी। और उसको लेकर जो था अंग्रेज और फ्रांसीसी अधिकारी दोनों क्या हो गए, संतुष्ट हो गए और चले गए, ठीक है। और भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम तथा उनकी उत्तराधिकारी द्वारा इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए दान भी दिया गया। इन दोनों ने क्या करा गाइस, भोपाल की जो बेगम थी और जो शाहजहां थे यहाँ के, उन्होंने गाइस क्या करा, नवाब जो थे यहाँ के राजा महाराजा थे, उन्होंने क्या करा, इस स्थान के रखरखाव के लिए बहुत दान भी दिए समय समय पर जब भी जरूरत पड़ी। और संरक्षण के लिए गाइस उन्होंने काफी ज्यादा प्रयास भी करे थे, जिस वजह से क्या वो सांची का स्तूप बच गया। और सुल्तानजा बेगम द्वारा एक संग्रहालय भी यहाँ पर बनवाया गया
और अतिथिशाला भी बनवाया गया। अतिथिशाला और संग्रहालय को बनवाने के लिए भी दान दिया गया और एक अंग्रेज अधिकारी जॉन मार्शल द्वारा सांची के ऊपर कई पुस्तकें लिखी गई जिसके प्रकाशन के लिए सुल्तान जहां बेगम द्वारा दान भी दिया गया था। और जो जॉन मार्शल था उसने क्या करा, सांची के ऊपर कई पुस्तकें लिखी जिससे उसके महत्व का लोगों को पता चल पाए और उसके प्रकाशन के लिए जो था पुस्तकों के प्रकाशन के लिए सुल्तान जहां बेगम ने क्या करा, अनुदान दिया जिससे इसको जो था लोगों को उसके महत्व का पता चल पाया। और इस तरीके से क्या हुआ, सांची का स्तूप जो था अपने ही जहां पर वो खोजा गया था वही स्थान पर बच पाया था। और इस तरीके से जो था भोपाल की बेगमों ने क्या करा, सांची के स्तूप के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और यह कहना गलत नहीं होगा कि भोपाल की बेगमों और शासकों ने सांची स्तूप के बिगड़ने से पहले ही सही निर्णय ले लिए होंगे जिस वजह से सांची की मूल कृति भोपाल राज्य में ही रह पाई थी। तो यही गाइस आपका आंसर है, किस तरीके से आपको लिखना होता है। यहाँ पे मैंने गाइस आपको पॉइंट भी लिख के बता दिए हैं, ठीक है। इस तरीके से ये आंसर आता है कि सांची स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों का क्या योगदान था, या सांची का स्तूप किस तरीके से बच गया, अमरावती का स्तूप किस तरीके से नष्ट हो गया। तो आपको गाइस इस तरीके से ही लिखना होता है कि भोपाल की जो बेगम थी शाहजहां बेगम, उसने क्या करा, प्लास्टर प्रतिकृतियां बनवाकर फ्रांसीसी और अंग्रेज अधिकारियों को मुहैया कराई जिससे क्या हुआ, वो संतुष्ट हो गए। उन्होंने क्या करा, सांची के स्तूप को नहीं ले जाना चाहा। और भोपाल की बेगमों ने क्या करा, साजा ने क्या करा, यहाँ पे रख रखाव के लिए कई दान भी दिए, यहाँ पर अतिथिशाला और संग्रहालय भी बनवाए जिस वजह से क्या हुआ, ये जो स्थल था काफी ज्यादा सुरक्षित रह पाया। और जॉन मार्शल ने यहाँ पर पुस्तकें लिखी सांची स्तूप के बारे में जिसके प्रकाशन के लिए उन्होंने क्या करा, दान दिया। और शायद हम जो था इसका महत्व का उस समय पता लगा पाए और इस तरीके से जो था सांची का स्तूप जो था अपने ही स्थान पर सुरक्षित रह पाया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आपको याद रखना है सांची के स्तूप को लेकर। गाइस यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं कि सांची का स्तूप जो था किस तरीके से बच पाया, अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया। तो दो नंबर में भी आता है, चार नंबर में भी आता है, आपको अच्छे से याद रखना, आई बिलीव आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। अब बात करेंगे गाइस यहाँ पे हम मूर्तिकला के बारे में। मूर्तिकला में ना बहुत सारे दोस्तों को पढ़ते हुए ये डाउट रहता है कि आखिर हम मूर्तिकला वाले टॉपिक में पढ़ने क्या वाले हैं। तो भाई सबसे पहले आप ना ये जान ले करो टॉपिक को पढ़ते हुए कि आखिर हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं। तो मूर्तिकला वाले टॉपिक में गाइस हम बात करेंगे कि सांची और अमरावती का जो स्तूप है, इन स्तूपों पे ना गाइस बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई हैं, बहुत सारे जानवरों की, पशु पक्षियों की, ठीक है, अलग अलग चीजों के। गाइस टाइम पीरियड में जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ था ना, इस टाइम पीरियड में जो लोक परंपराएं प्रचलित थी उनसे रिलेटेड बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई हैं। और जातक कथाओं से भी लेकर कुछ सारी मूर्तियां इसमें बनाई गई हैं। और गौतम बुद्ध को भी गाइस उनकी चीजों को इनडायरेक्टली रूप से दिखाने का प्रयास किया गया मूर्तियों के द्वारा कि कैसे जो है उन्हें बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति होती है, कैसे जो है सारनाथ में अपना उपदेश देते हैं। तो मूर्तियों के द्वारा गाइस गौतम बुद्ध को भी इनडायरेक्टली रूप से दिखाने का प्रयास किया गया है। और बौद्ध धर्म की बहुत सारी चीजें जो है गाइस इन मूर्तियों के द्वारा झलकती है जो हमें पता लगानी है। और इन मूर्तियों का क्या महत्व है, ठीक है, जो सांची अमरावती और अन्य स्तूपों पर बनाई गई है, किस बात का प्रतीक है, इनसे क्या पता चलता है, ये हम जानते हैं मूर्तिकला वाले टॉपिक के अंदर कि जो उनपे मूर्तियां बनाई गई हैं वो किस बात का प्रतीक है, क्या महत्व है, क्यों बनाई गई थी, ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप देख लेते हैं मूर्तिकला वाले में यहाँ से कोई क्वेश्चन हुआ तो ज्यादा नहीं आता है, फिर भी गाइस आपके चित्र को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं आपको बता दूंगा कौन सा चित्र है वो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। तो देखते हैं सबसे पहले मूर्तिकला वाले में, तो कई अंग्रेज यहाँ पे गाइस आपको कई लिखना है, कई अंग्रेज तथा फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा स्तूपों से मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया, ये आपको पता ही है, ठीक है। बहुत सारे फ्रांसीसी और अंग्रेज अधिकारी क्या थे, स्तूपों से मूर्तियों को अपने अपने देश लेकर चले गए थे क्योंकि वो इन्हें बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों ने मूर्तियों को देखा उन्हें ये जो था भाई वो बहुत ज्यादा खूबसूरत और मूल्यवान लगी। और अब हम इन मूर्तियों को ध्यान से देखकर इनके महत्व का पता लगाने का प्रयास करते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि ये मूर्तियां क्यों बनाई गई, इनका क्या महत्व है, ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो आपको भाई सबसे पहले एक ये हेडिंग देखने को मिलेगी अपनी बुक में, पत्थर में गड़ी कथाएं। अब इसमें क्या बताया गया है, ये एक मूर्ति का चित्र भी मैंने आपकी बुक से लिया हुआ है, आप देख सकते हैं, आपको बुक में भी सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो इस चित्र से क्या पता चलता है ये आप देखिए, जैसे कि गाइस आप देख सकते हो कि इस दृश्य में जो है गाइस एक झोपड़ी और एक पेड़ वाले ग्रामीण दृश्य का चित्रण दिखाया गया। आप झोपड़ी देख सकते हो और एक गांव सा दृश्य दिखा रखा है। अब इससे पता क्या चलता है ये आपको जानना है यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस क्या पता चलता है कि जब इतिहासकारों ने सांची, यहाँ पे रांची की जगह आपको सांची लिखना है, सांची की मूर्तिकला का गहनता से अध्ययन किया तो पाया कि इसे विषांतर जातक कथाओं से लिया गया। मैंने आपको बताया ना कि जो मूर्तियां बनाई गई है बहुत सारी लोक परंपराएं इस टाइम पीरियड में प्रचलित थी और जो जातक कथाएं थी उनसे क्या है इन सारे चित्रों को लिया गया है और इस पर जो है उत्कीर्ण करने का प्रयास किया गया। अभी जो विषांतर जातक कथा से जो चित्र लिया गया है इससे पता क्या चलता है ये देखो आप, इसमें जो है पता चलता है, इसमें एक दानी राजकुमार का पता चलता है जो अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंपकर स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में चला
जाता है। तो कहीं ना कहीं गाइस क्या करता है, वो संसारिक जो भौतिक चीजें उनको त्याग कर क्या करता है, जंगल में चला जाता है राजकुमार, ताकि वो जो है इन सारी चीजों से दूर हो पाए। कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध का भी मानना यही था कि हम जितना चीजों के पीछे भागेंगे, जितना चीजें हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, उतना हम दुखी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये शायद उसी विचार से प्रभावित थे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये जानना है मूर्ति कला से क्या पता चल रहा है मूर्तियों से। अब यहाँ से गाइस उपासना के प्रतीक वाले टॉपिक से आपको थोड़ा सा समझ के चलना है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें गाइस तीन चित्रों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तीन चित्रों से हमें गौतम बुद्ध के बारे में डायरेक्टली रूप से जो है हमें पता चलता है कि कैसे जो हमें गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैसे जो था उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। तो देखो तीनों चित्र आपकी बुक में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पहला चित्र आप ध्यान से देख लीजिए, आपको एक पेड़ दिख रहा होगा, आसपास जो है लोग बैठे हुए दिख रहे होंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है, जो मूर्ति कला सांची और भरू जो हमारे सारनाथ के स्तूप उन पे बनाई गई है, इनसे पता क्या चल रहा है, इनसे गौतम बुद्ध की हमें बातों का पता चल रहा है, उनके बारे में हमें इनडायरेक्टली रूप से पता चल रहा है। अब क्या पता चल रहा है ये देखिए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो थी एक वृक्ष के नीचे हुई थी, ठीक है, जिसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, और संभवतः बुद्ध अपने शिष्यों को इसी तरह के वृक्षों के नीचे बैठकर उपदेश दिया करते थे। तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं एक वृक्ष बन रखा है, ठीक है, और उनके आसपास क्या है, शिष्य बैठे हुए हैं। तो पहले चित्र में आपको यही जानना है। सेकंड चित्र आप ध्यान से देखोगे तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो। अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो देख सकते हैं आप, सेकंड चित्र भी आपको दिख रहा होगा गाइस, ये भी आपकी बुक में है सारी चीजें। तो इससे क्या पता चल रहा है, इसमें आपको स्तूप बना हुआ दिख रहा होगा, ये तोरण द्वार दिख रहा है, ये आपको वेदिकाएं दिख रही है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध के अवशेष तथा उनसे जुड़ी चीजों को जब इन टीलों में गाड़ दिया गया, मिट्टी के जो गुलाट टीले थे, तो इनमें जो था लोग श्रद्धा रखने लगे, और इस प्रकार जो था इन समूचे मिट्टी के जो गोलार्ध टीले थे, इन स्तूपों को जो था बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह के रूप में माना जाने लगा था। तो यहाँ से हमें यही पता चलता है कि जब इन मिट्टी के गोलार्ध टीलों में गौतम बुद्ध की चीजों को जोड़ा जाने लगा, तो इन मिट्टी के गोलार्ध टीलों को जो था स्तूपों को बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह माना जाने लगा था। अब हम तीसरा चित्र देखते हैं। तीसरे चित्र में भी गाइस आपको गौतम बुद्ध के बारे में ही पता चलता है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं चक्र बना हुआ दिख रहा है आपको। अब ये चक्र क्या है, आप यहाँ से अच्छे से जान पा रहे होंगे कि चक्र से हमें क्या पता चल रहा है। तो इससे हमें यही पता चलता है कि गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश जो था सारनाथ में दिया गया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, और उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में पांच शिष्यों को दिया था। ये भी मैं ऑलरेडी आपको सेकेंड पार्ट के अंदर जब हमने बौद्ध धर्म पढ़ा था उसमें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये गाइस तीन चित्र हैं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, क्योंकि अगर मान के चलो एग्जाम में पूछे गए तो आपको एक चित्र दिखाकर इनके बारे में पूछा जा सकता है कि इनसे हमें क्या पता चल रहा है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई थी। तो ये थोड़े से चित्र हैं उपासना के प्रतीक वाले, ये आपको यहाँ पे याद रखने हैं। एक आपका लोक परंपराओं वाला चित्र, ये भी आपको देखने को मिलेगा। अब बहुत सारे दोस्तों को ना ये तो समझ में ही नहीं आता है कि लोक परंपराओं में आखिर बताया क्या हुआ है। क्यों नहीं समझ में आता है, क्योंकि भाई आपको लोक परंपराओं का मतलब ही नहीं पता, तो समझ में क्या आएगा। सबसे पहले आप लोक परंपराओं का मतलब समझो। लोक परंपराओं का मतलब होता है कि ऐसी परंपराएं जो लिखित रूप में तो कहीं भी वर्णित नहीं है, बल्कि मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होती आ रही है। जैसे आपको पता है विवाह के दौरान बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, तो वो सारी चीजें कहीं लिखी नहीं है, परंपरा मौखिक रूप से क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग उसको फॉलो करते आ रहे हैं। तो ऐसी परंपराएं जिन्हें हम क्या कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो कर रहे हैं, केवल मौखिक रूप से फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं को गाइस हम क्या बोलते हैं, लोक परंपराएं बोलते हैं। यानी कि अब यहाँ पे हम लोक परंपराओं के किस बारे में बात कर रहे हैं, कि यानी कि जब बौद्ध धर्म जैन धर्म अस्तित्व में आए थे, तो उस टाइम पीरियड में जो जो लोक परंपराएं थी उनको भी गाइस यहाँ पर क्या है, मूर्ति कला के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है, वही आपको जाननी है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस एक लोक परंपरा में चित्र ये दिखा रखा है आपको, स्त्री का चित्र आप देख सकते हैं, मैंने आपकी बुक से लिया है, कि इस समय में भी गाइस कुछ लोक परंपराओं को भी स्तूपों में मूर्ति कला के जरिए प्रदर्शित करने का प्रबंध किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं ये स्त्री की मूर्ति आपको दिख रही होगी, ठीक है, कैसे जो है गाइस ये साथ में एक फूलों को पकड़ के लटकती हुई दिख रही है, साथ में आपको दिख रही होगी। अब इससे पता क्या चलता है, किस बात का प्रतीक है, ये आप जान लीजिए यहाँ पे। तो साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से विद्वान यह समझ पाए कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित साल भंजिका की मूर्ति है, ये किसकी मूर्ति है, साल भंजिका की मूर्ति है, ठीक है। और लोक परंपराओं के अनुसार इस तरीके से इस स्त्री के, यहाँ पे गाइस थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग होगी, कि इस स्त्री के छूने से ऐसा माना जाता है कि ये स्त्री अगर किसी वृक्ष को छू लेती थी तो क्या होता था, उस वृक्ष में फल भी खिलने लगते थे और फूल भी जो था उठने लगते थे, संभवतः ये जो था गाइस शुभ प्रतीक चिन्ह मानी जाती थी। तो उस टाइम पीरियड में ऐसी लोक परंपराएं थी कि अगर इस प्रकार की स्त्री किसी वृक्ष को छू लेगी तो उसके छूने से क्या इस क्या होगा, पेड़ों में फल आने लगेंगे और फूल भी आने लगेंगे, ठीक है। ये एक लोक परंपरा है जिन्हें बौद्ध धर्म में जो है
सांची की मूर्तिकला में उत्कीर्ण करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध से पूर्व और बौद्ध धर्म के पश्चात दूसरे विश्वासों प्रथाओं अवधारणा समाहित किया गया, जिस वजह से जो था बौद्ध धर्म इतना जो था समृद्ध बन पाया था। यानी कि क्या हुआ, बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म से पहले और बौद्ध धर्म के बाद जो इस टाइम पीरियड में प्रथाएं ठीक है विश्वास प्रचलित थे उनको भी जो था कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म में धीरे धीरे जोड़ा जाने लगा और इस वजह से जो था बौद्ध धर्म काफी ज्यादा समृद्ध और विशाल बनने लगा था। और मूर्तिकला में भी विभिन्न जानवरों के चित्र जो है उत्कीर्ण किए गए हैं, जैसे घोड़ा हाथी जानवर बंदर ठीक है आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा ठीक है। और इसमें कमल दल और हाथियों के मध्य एक महिला की मूर्ति जहाँ उत्कीर्ण की गई है। एक और चित्र आप देख सकते हो कि हाथी है और कमल के फूल है, उसके बीच में क्या एक महिला की मूर्ति है। इतिहासकार के अनुसार ये गौतम बुद्ध की माता महामाया है, जबकि कुछ का मानना है कि ये गजलक्ष्मी है जो सौभाग्य लाने वाली देवी थी। तो ऐसे बहुत सारे गाइस इन मूर्तियों पे क्या है चित्र बनाए गए हैं जिनका कहीं ना कहीं अपना अपना अलग अलग महत्व है, वो कहीं ना कहीं अलग अलग बातों का प्रतीक है और अलग अलग बातों के बारे में हमें वो जो है बोध कराती है। तो इससे हमें यही पता चलता है कि बौद्ध धर्म में जो है बहुत सारी अन्य धार्मिक विश्वासों को चीजों को भी जोड़ दिया गया जो उससे रिलेट करके बताई गई है। इस प्रकार जो है बौद्ध धर्म काफी ज्यादा विशाल और समृद्ध बनता चला गया है। अब नई धार्मिक परंपराओं वाले में आपको हीनयान और महायान के बारे में दे रखा है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊंगा ये हीनयान महायान क्या है। तो बौद्ध धर्म के दो प्रकार हैं, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद गाइस क्या होता है बौद्ध धर्म दो भागों में बट जाता है। तो ये आपका थर्ड पार्ट में गाइस हम इतना ही पढ़ेंगे, मूर्तिकला वाले टॉपिक तक ही पढ़ेंगे। फोर्थ पार्ट में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई बिलीव आपको यहाँ पे पढ़ के गाइस बहुत अच्छा लगा होगा, कहीं पे गाइस आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है। वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके प्लीज बता दीजिएगा। मूर्तिकला वाले टॉपिक से गाइस आपके कोई क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं, जहां से मैंने उपासना के प्रतीक वाले में आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट बताए ना वो तीन चित्र वो आपको थोड़े से याद रखने, क्योंकि उनसे हमें गौतम बुद्ध के बारे में डायरेक्टली रूप से पता चल रहा है। और कहीं पे कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेना। फोर्थ पार्ट के अंदर गाइस हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलेंगे गाइस इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।